नाली में कचरा जम जाए तो दुर्गंध फैलती है, कचरे को हटाया जाता है। वैसे ही समाज में जमा असामाजिक तत्वों का कचरा हम हटाते हैं। कई फिल्मों में इस तरह के संवाद सुन चुके हैं। सिर्फ संवाद ही नहीं बल्कि अब तक 56 फिल्म देखने के बाद लगेगा कि ऐसी सैकड़ों फिल्में देख चुके हैं। फिल्म में नया कुछ नहीं है, केवल अब तक 56 की प्रसिद्धि का लाभ उठाने के लिए बनाई गई यह एक रूटीन फिल्म है। अपनी पत्नी को खोने के बाद साधु आगाशी गोवा में जाकर मछली पकड़कर अपना वक्त बर्बाद करने में लगा हुआ है। इधर मुंबई में अंडरवर्ल्ड फिर से उठाने लगा है। फोर्स किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुख्यमंत्री और पुलिस अफसरों को साधु की याद आती है। साधु थोड़ा भाव खाता है लेकिन बेटे के कहने पर मान जाता है। अंडरवर्ल्ड का काम करने का तरीका बदल गया है। अब इस धंधे में पहले जैसी ईमानदारी नहीं है। भी गलतियां कर चुका हूं मैं, अब गवाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। सिनेमा हॉल में गिने चुने दर्शक सोचते हैं कि कुछ नया देखने को मिलेगा। ऊपर वाले ने इंसान के शरीर में 9 छेद किए हैं, 2 कान के, 2 नाक के, 2 आंख के, 1 मुंह का, बाकी के 2 तू जानता है। सपने में भी गलत सोचा ना, 10वां छेद कर दूंगा। लेकिन इस डायलॉग के बाद साधु उसी शैली में काम करने लगता है जैसा पुलिस ऑफिसर अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्मों में करते आए हैं। विलेन की असलियत जानने में साधु लंबा समय लेता है, लेकिन सभी जान जाते हैं कि विलेन कौन है। साधु पर गोली चलती है और वह गुंडों के पीछे भागता है, लेकिन दर्शक जान जाते हैं कि इधर साधु गुंडों के पीछे है तो दूसरी ओर उसका बेटा अकेला है। कहने का मतलब यह है कि कहानी और स्क्रीन प्ले लिखने में कुछ भी नया ट्विस्ट नहीं जोड़ा गया है जिससे एक आम फिल्म में भी रोमांच पैदा हो। गुल पनाग वाला ट्रैक तो अत्यंत कमजोर है। वह हर उस जगह पर मौजूद नजर आती है जहां कुछ न कुछ घटता है। निर्देशक एजाज गुलाब ने सपाट स्क्रिप्ट चुनी है, उनके निर्देशन पर राम गोपाल वर्मा की छाप है। शॉर्ट टेकिंग उनका अच्छा है, लेकिन कहानी को उन्होंने बिना किसी उतार चढ़ाव के पेश किया है। नाना पाटेकर ने एक आक्रोशित पुलिस ऑफिसर की भूमिका पूरी गंभीरता के साथ निभाई है, लेकिन एक जैसे रोल में उन्हें कब तक देखते रहेंगे। विक्रम गोखले, आशुतोष राणा, गोविंद नामदेव दमदार कलाकार हैं और इस तरह की भूमिका निभाना उनके लिए बहुत सरल है। भूल पनाक प्रभाव नहीं छोड़ पाई। अब तक 56 अपने पहले भाग की छवि को धूमिल करती है। इस फिल्म को मैं 5 में से 1.5 स्टार देता हूँ।